हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया एपी। ठीक है, तो एपी का बेसिक्स पढ़ेंगे। एपी होता क्या बच्चों? एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होता क्या है, कोई भी सीरीज है, मान लो जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कोई भी सीरीज दिया हुआ, कोई भी प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब 4 माइनस 2 करो 2 आया, 6 माइनस 4 करो 2 आया, 8 माइनस 6 करो 2 आया, 10 माइनस 8 करो 2 आया, अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो इसको बोलेंगे ये एपी में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब आप पढ़ चुके हो 10th में, एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, वेयर एन इक्वल्स टू, एन को क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं एनथ टर्म, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, एंड डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन का मतलब क्या हो गया एनथ टर्म, ए मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, एंड डी का मतलब क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपको आता होगा, आपने पढ़ लिया होगा 10th क्लास में। ठीक है, अब आप सम का फॉर्मूला देखो, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और क्या होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। ये फॉर्मूला आपको सारा यूज आएगा, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 1001। ठीक है, 1 से 1001 के बीच में ऑड इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा ऑड इंटीजर, पहले आपको 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, डॉट डॉट 1001, ये आपको ऑड इंटीजर हो गया। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म हो गया ए, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये होगा 2, और जो लास्ट टर्म होता है एन, इसकी वैल्यू होती है 1001। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो आपको सम का फॉर्मूला बताया मैंने अभी कि क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये अब देखो, इस दोनों जगह n की, n यहां भी है, n यहां भी है, दोनों जगह n है। ठीक है, तो पहले हमको तो n ही नहीं मालूम, पहले हमको n मालूम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे। तो n फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके हेल्प से पहले हम लोग n की वैल्यू फाइंड करोगे। ओके, तो करते हैं, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है 1001 इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 2, देन 1001 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 एन माइनस 2, देन 1001 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2 एन, देन 1001 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 एन, देन 1002 अपॉन 2 एन, सॉरी यहां पे 2001 बच्चों, यहां पे 2 है। ठीक है, यहां पे 2, ठीक है, अपॉन 2 की वैल्यू n आ गई, n की वैल्यू कितनी है कि 1001 n की वैल्यू आ गई। ओके, जब आपको n की वैल्यू मालूम चल गई तो आप एसएन तो इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो निकालो एसएन, तो एसएन इक्वल्स टू क्या हो गया, n अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n क्या हो गया, एन आ गया 1001, यहां पर लिखोगे
1001 अपॉन 2, 2 इंटू ए, ए क्या है 1, प्लस n कितना है, n है 1001, 1001 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, इसको सॉल्व कर दो 1001 अपॉन 2, 2 प्लस 100 इंटू 2, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व इसको कर लेना आप 1002001, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, ओके, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। 100 एंड 1000 के बीच में कितना नंबर नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 से मल्टीपल होगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 5। अभी भी बहुत इजी है, देखो 100 से 1000 के बीच में कितना नंबर होगा जो 5 से कट जाएगा, तो पहला नंबर हमने 100 लिखा, 100 और 1000 के बीच में, मतलब 100,000 को आपको नहीं लेना है, लेना किसको है 105 110 115, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 995। 1000 को आपको नहीं लेना है क्योंकि बिटवीन दिया हुआ है, ओके। अब देखो ए क्या हो गया, ए आपको हो गया 105, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये माइनस ये, कॉमन डिफरेंस आपको हो गया 5, लास्ट टर्म क्या हो गया एन, एन आपको हो गया 995, ओके। अब क्या निकालोगे इसमें आप, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कहे थे एन से एन निकालोगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन कितना है 995 इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 5, ओके। यहां पे लिखोगे 995 माइनस 105 इक्वल्स टू 5n माइनस 5, 890 प्लस 5 इक्वल्स टू 5n, 895 अपॉन 5 इक्वल्स टू 179, तो आपको n की वैल्यू कितनी आ गई 179, आपको n की वैल्यू आ गई, ओके। जब n की वैल्यू आ गई तो आप सिंपल Sn निकाल दो, Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया फॉर्मूला, ओके। n कितना आ गया 179, यहां पे लिखोगे 179 अपॉन 2, 2 इंटू ए, ए क्या हो गया 105 प्लस n कितना आ गया 179 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 5, ओके। बस इसको सिंपली कैलकुलेट कर दो, ओके, कैलकुलेट तो आप लोग कर ही लोगे, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 98450, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन एन एपी, ठीक है, क्वेश्चन में बोल देता हूं, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे पढ़िए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, क्या बोल रहे हैं, पहले टर्म लिख लो, फर्स्ट टर्म हो गया ए, फिर हो गया ए प्लस डी, फिर हो गया ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, 5d, 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d एंड ए प्लस 9d,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, क्या लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म जो होता है वो नेक्स्ट फाइव टर्म के सम का 1/4 था। ठीक है, तो इसका तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइव टर्म कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक होगा और नेक्स्ट फाइव यहां से लेके यहां तक होगा। तो नेक्स्ट फाइव के लिए जो आपका a होगा a ये होगा, ध्यान देना, ठीक है ना, देखो 1/4 n अपॉन टू 2a, a कौन होगा, ये होगा a प्लस 5d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, n कितना है 5, देन 5 अपॉन 2, 2a कितना है, a आपको यहां पे 2 है, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, डी आपको फाइंड आउट करना है, 1/4 n कितना आपको है 5, तो 5 अपॉन 2, 2 इंटू a 2a, 2 प्लस 5 10d, n कितना है 5 माइनस 1 4d। ठीक है, अब इसमें से देखो 5 अपॉन 2 2 4 प्लस 4d इक्वल्स टू 1/5 4 2 4, इसको ऐसे लिख दो क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा वहां पे, इसमें से आप इसको लिख दो 2a प्लस 14d। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से भी 2 कॉमन ले लोगे, 5 अपॉन 2 हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 प्लस 2d, ठीक है, 1/4 इंटू 5/2, यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 7d। अब ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ओके, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 प्लस 10d इक्वल्स टू 1/4 5a प्लस 35d। इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 40 प्लस 40d इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी थी, अब a की वैल्यू ला सकते हो, a की वैल्यू यहां पे 2 थी, तो यहां पे लिखोगे 5 into 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 10 प्लस 35d, ओके, अब 10 को इधर ले आओ, 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 35d माइनस 40d, देन 30 इक्वल्स टू माइनस 5d, ओके, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू यहाँ पे -6 आ गई। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -6। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसका 20th टर्म निकालना है, ठीक है ना, तो t20 निकाल लो, a20 जो बोलते हो आप, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है, ए आपको 2 है, n कितना है 20, टर्म निकालना है 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है -6, 2 प्लस 19 इंटू -6 तो -112 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, How many terms of the AP minus 6 minus 11 upon 2 minus 5 are needed to give the sum? Minus 25. ठीक है, बोला How many terms, कितना terms होगा of AP, AP आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहां पे लिखो a क्या हो गया, a आपको हो गया -6, d क्या हो गया, ये माइनस ही, तो -11/2 -6, तो -11/2 + 6 पे 2, 1/2 हो गया, सम कितना दिया हुआ है -25, ओके, ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल लोगे, फॉर्मूला लिख दो, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो देखते हैं,
देखो फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सर कितना है -25, तो -25 एन कितना आपको है, एन आपको फाइंड करना है, तो हाउ मेनी टर्म्स लिखा हुआ है, ए कितना है, ए आपको -6 है प्लस एन माइनस वन इन टू डी, डी कितना है 1/2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -50 इक्वल्स टू एन -12 प्लस 1/2 इंटू एन -1/2, ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करो तो -50 इक्वल्स टू एन, इसको इसको एक साथ कर लो, सबको एक ही बार एलसीएम ले लो, नहीं तो 2 -24 प्लस एन -1, ठीक है, तो -50 इक्वल्स टू एन -25 प्लस एन अपॉन टू, ठीक है, इसको डाल ले आओ, -100 इक्वल्स टू एन 25 प्लस एन, क्या हो जाएगा -100 -25 एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आपका एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, अब इसको सबको एक साथ सॉल्व कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके एन स्क्वायर -25 एन प्लस 100 इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब इसका आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 100 को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20 × 5 आएगा, आपको पता होगा 100 को लिखते हैं 50 फिर 25 फिर 55, ठीक है, तो 5 × 10 10 × 20 20 और 5 का पेयर ले लो 25 आ गया, ठीक है, आप यहां लिखोगे एन स्क्वायर -20 एन -5 एन प्लस 100 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हमने एन कॉमन लिया तो एन -20, यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो एन -20 इक्वल टू जीरो, एन की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया 20 आ गई, ये बच्चों एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आपको 5 आ गई और 20 आ गई, दो आंसर आ गया इनका, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देखना, इन एन एपी इफ द पीएथ टर्म, क्या बोला पीएथ टर्म को एपी लिखो टीपी लिखो कुछ भी लिखो, तो पीएथ टर्म कितना है 1/Q है, ठीक है, पीएथ टर्म कितना दिया हुआ है 1/Q दिया हुआ है पीएथ टर्म, और क्या दिया हुआ है क्यूएथ टर्म कितना दिया हुआ है, क्यूएथ टर्म आपको दिया हुआ है 1/P टी क्यूएथ टर्म आपको दिया हुआ 1/P, यहाँ पे ए लिखो पी लिखो ए लिखो डी लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ मतलब टी पी क्यू की वैल्यू प्रूफ करना है, किसका सम जो होगा सम जो होगा सम तुम्हारा होगा 1/2 पी क्यू प्लस 1 ये होगा, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पी टर्म तुमको दिया हुआ है 1/Q एंड तुमको पी टर्म क्यू टर्म दिया हुआ 1/P, ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व इसको, पहले तो देखो पी टर्म आपको दिया हुआ है 1/Q, फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × d = 1/Q, यहाँ पे क्या p दिया हुआ है p/2 2a + p-1 × d = 1/Q, ठीक है बच्चों, ये आपका एक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया p/q (2a), ठीक है, सॉरी यहाँ पे टर्म दिया हुआ, टर्म की तो सम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे टर्म दिया हुआ ना, टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d, वो मैंने सम का लिख दिया था सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म दिया हुआ है तो आप टर्म का फॉर्मूला लिखोगे a + n-1 × d, तो ए क्या है आपको ए को ए लिखोगे एन को लिखोगे p-1 × d = 1/Q, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ टी क्यू, तो टी क्यू की वैल्यू कितनी दी 1/P, इसका फॉर्मूला क्या होगा a + n-1 × d = 1/P, ओके, अब एन कितना है क्यू है तो a + q-1 × d = 1/P, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ओके, अब क्या करना है सम निकालने के लिए आपको डी और ए की वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व करके डी और ए की वैल्यू निकालो, देखते कैसे करते, देखो
फर्स्ट इक्वेशन क्या a प्लस pd, इसको सॉल्व कर दो, माइनस d इक्वल्स टू वन अपॉन क्यू, यहां पे a प्लस qd, a प्लस qd माइनस d इक्वल्स टू वन अपॉन p, सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये टर्म कट गया, टर्म कट गया, ठीक है, p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन p, ठीक है, p माइनस क्यू डी, यहाँ पे p क्यू कॉमन लोगे, यहाँ p माइनस क्यू हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो, ठीक है, d इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ये इंटू में जाके डिवाइड में हो गया, ये कट गया, d की वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन पी क्यू हो गए, ठीक है, इससे हमने d की वैल्यू क्या निकाल लिया, वन अपॉन पी क्यू निकाल लिया। अब a की वैल्यू निकालो, तो d की वैल्यू को किसमें पुट कर, किसी में पुट कर दो, मान लो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या आपका है, इक्वेशन सेकंड आपका है a प्लस q माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू वन अपॉन पी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डी की वैल्यू पुट करके देखते हैं, डी क्या था, वन अपॉन पी क्यू, करो a प्लस क्यू माइनस वन वन अपॉन पी क्यू इक्वल टू वन अपॉन पी, ठीक है, सॉल्व करो a प्लस इसको मल्टीप्लाई करो q अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू वन अपॉन पी, क्यू से क्यू कट गया, वन अपॉन पी कट गया, a की वैल्यू भी वन अपॉन पी क्यू आ गई, ध्यान से देखो, d की वैल्यू भी वन अपॉन पी क्यू आ गई और a की वैल्यू भी वन अपॉन पी क्यू आ गई, ओके, अब आपको सम निकालना है, ठीक है, निकालो सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन क्या है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन टू टू इंटू ए क्या निकल गया, वन अपॉन पी क्यू प्लस एन, एन क्या है पी क्यू, पी क्यू माइनस वन इंटू डी भी क्या है वन अपॉन पी क्यू, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, डी आना चाहिए, चलो देखते हैं, लिखो पी क्यू अपॉन टू टू अपॉन पी क्यू, इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये टर्म कट गया, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, पी क्यू अपॉन टू, इसका एलसीएम ले लिए पी क्यू टू प्लस पी क्यू माइनस वन, ये पी क्यू कट गया, तो क्या हो गया, पी क्यू टू माइनस वन वन अपॉन टू, देखो ये आना था वन अपॉन टू पी क्यू प्लस प्लस वन, हाँ टू माइनस वन वन आएगा, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, इस तरह आपका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 हो गया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे करेंगे, ओके बच्चे, थैंक यू।